सीजन ठीक है क्योंकि शानदार कल जीत के साथ और अब संन्यास? मेरा मानना यहाँ पर यह है, मेरा मानना यहाँ है क्योंकि मैं क्रिकेट की उतनी जानकारी नहीं रखता, स्वीकार करने में हर्ज नहीं है जितनी आप रखते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हम सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर होते हैं, जब हमसे आगे कोई नहीं होता है, तब इज्जत के साथ अपने सम्मान के साथ किसी और के लिए जगह खाली करना, इससे श्रेयस्कर कुछ और नहीं होता है। लेकिन टीम को कमी जरूर खलेगी। मनोज जी, अब बताएं, इन तीनों का हटना क्या आगे भारतीय टीम के लिए मुश्किल पैदा करेगा? नहीं, मुश्किल तो पैदा नहीं करेगा। भारत में बहुत टैलेंट है और इस बात को विराट कोहली भी जानते हैं, रोहित शर्मा भी जानते हैं और जडेजा भी जानते हैं। उनको लगा कि हमारे अब रिप्लेसमेंट तैयार हो गए हैं, अब इनकी एज, जिस एज ग्रुप में ये चल रहे हैं, और जिस तरह से आप देखिए, संजू सैमसन बहुत अच्छी लय में थे, उनको मौका नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला जबकि वो टीम में मौजूद थे, और एक ऐसा खिलाड़ी जो T20 क्रिकेट में पावर प्ले में हाफ सेंचुरी बनाने का मादा रखता हो, जो उन्होंने बना के दिखाई भी। रिंकू सिंह जो 15 में जगह नहीं बना पाए, स्टैंड बाई में उनको रखा गया, तो उनको मौका कब मिलेगा? क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि 30-32 साल जब वो पार होंगे तब उनको मौका दिया जाएगा? तो मैं तो कहूंगा बहुत बोल्ड डिसीजन है, ऐसा डिसीजन है जो सचिन तेंदुलकर भी नहीं ले पाए थे। कपिल देव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई खिलाड़ी रिटायर नहीं होना चाहता, कोई अपने क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहता, कोई एंडोर्समेंट्स नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर 2011 का वर्ल्ड कप, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, देखिए वो क्रिकेट के भगवान, उनके अल्टीमेट प्लेयर थे, लेकिन अगर वो उस वक्त रिटायरमेंट लेते तो और ज्यादा अच्छा लगता, और युवा खिलाड़ियों को मौके मिलते। लेकिन अब विराट ने उनकी लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से वो आगे लेकर गए हैं। अब देखना है विराट की लेगेसी को आगे कौन ले जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। स्टूडियो में मेरे साथ काफी लोग बैठे हैं, अभी उनका रुख करूंगा, उनसे भी पूछूंगा कि विराट, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, इनका जाना क्या इनको मंजूर है? लेकिन आशिक, आपका रुख कर लेते हैं। आशिक जम्मू कश्मीर से मेरे साथ हैं। आशिक, जम्मू कश्मीर में नई पौध तैयार हो रही है, वहां पर बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, वहां नए ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम हैं, कोच हैं, और एक ऐसा वहां माहौल है जो इन लोगों से कुछ सीख सकता है। ये तीन खिलाड़ी अगर हट रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या वो मादा है, ऐसा टैलेंट है जो इनकी जगह भर दे? बिल्कुल राजीव, अगर हम जम्मू कश्मीर के टैलेंट की बात करें तो यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, और बीते कुछ सालों से लगातार यहाँ से कई सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल खेलते हैं। और अगर हम बात करें उमरान मलिक या हम परवेज रसूल की बात करें, जिन्होंने नेशनल टीम में जगह बनाई और उन्होंने कई सारे नेशनल खेले भी है, और साथ साथ अगर हम बात करें आज के टैलेंट की, तो टैलेंट काफी ज्यादा है। और मेरे साथ भी एक टैलेंटेड क्रिकेटर मौजूद है, साथ साथ कमेंट्रेटर भी है। किफायत, कश्मीर के टैलेंट की जब बात आती है तो आप मुझे बताइए कितना टैलेंट है और कितना कुछ करने की जरूरत और भी है? देखिए, कश्मीर की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड हमारी हो जिसमें टैलेंट होगा। यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप क्रिकेट को ले जाएं, फुटबॉल को लें, कमेंट्री को लें, हर चीज़ में का टैलेंट जो है यहाँ के जो नौजवान हैं, लड़के हैं, उनमें है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, हमारे उमरान मलिक या अब्दुल समद या परवेज़ रसूल जो पहले आईपीएल क्रिकेटर बने, रासिक सलाम, उसके बाद परवेज़ रसूल ने कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया, जिम्बाब्वे का टूर किया, तो टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बस कमी अगर किसी चीज़ की है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ की। बिल्कुल राजीव, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोगों का रिएक्शन है। और अगर हम टैलेंट की बात करें, वाकई तौर पर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो आनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पर। खैर, फजल इमाम मलिक भी मेरे साथ बने हुए हैं, सैयद जमाल भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन अपने स्टूडियो में भी अपने गेस्ट की बात कर लेते हैं। राहुल द्रविड़, जिन्होंने यहां तक पहुंचाया, वो अब नहीं है। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली, ये चार लोगों का रिप्लेसमेंट आपको दिखाई पड़ता है, जिसके पास भी माइक हो शुरू हो जाए। जी, मैं आपसे ये पूछना भी चाह रही थी क्वेश्चन कि मतलब रोहित शर्मा के जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आखिरी समय पर जब हमें पूरा एकदम विश्वास था कि अब तो हार ही जाएगी इंडिया, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी ने और पूरे टीम वर्क ने इसको जिताया, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अब जाने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि वो ODI में, मतलब जो 3 साल बाद ODI वर्ल्ड कप होने वाली, उसमें वो उसमें भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ये हम साफ कर दें आप लोगों के लिए, T20 से रिटायरमेंट लिया है। हाँ। जैसे इस तरीके से आप अभी सवाल पूछ रही हैं, अगर आप माइक नहीं छोड़ेंगे तो उनको कैसे मिलेगा माइक, जो आपके बगल में बच्ची बैठी हुई है, तो ये उस तरीके से। जी, बात का जवाब दे देता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं आप, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होने वाली है पाकिस्तान में, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ पाकिस्तान के एक वरिष्ठ खेल पत्रकार भी जुड़ने वाले हैं, वो इस बारे में शायद तफसील से बता पाएं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वहां पर गौतम गंभीर हो सकता है आपको कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे, और रोहित शर्मा
आपको वहां और विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे? बताइए सर। पहले तो आज मैं एक गाना गाना चाहूंगा कोहली जी के ऊपर। हाँ हाँ। टशन में है कोहली, टशन में टशन में टशन में है कोहली। सर ये इंडियन टीम ने आज साबित कर दिया कि इंडिया अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी के साथ मतलब अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो अपनी औकात दिखा सकती है दूसरी वाली कंट्री को। वो दिखा सकती है कि दूसरी कंट्री की औकात क्या है उसके सामने, और इस बार इंडिया ने साबित कर चुका है। खैर हाँ। मैं चाहूंगा शब्दों का चुनाव थोड़ा सा बेहतर किया जाए, अच्छा किया जी, जरूर, जाए। जरूर। ये खेल है, खेल का मैदान है, या दूसरे को अपने टैलेंट से पीछे छोड़ना है। हाँ। आपके बगल में ब्लू जो आपने पहना हुआ, हाँ आप लीजिए माइक जरा सा। कल मैच आप कैसे देख रही थी ये बताइए, खाना भी बना रही थी या और भी कामों में लगी थी? तो हमारे घरों में अक्सर जो हमारी माँ, हमारे रिलेशन जितनी भी है लेडीज, वो यही करती रहती है, एक मैच, हाँ फिर एक चीज देख ली, दाल तो नहीं जल गई, फिर थोड़ा सा गैस, फिर ये। क्या आप भी ऐसे ही कर रही थी? ऐसे ही कर रही थी, मैं कानों से देख भी रही थी, ये काम भी कर रही थी, फिर जा के बीच में देख रही थी। और जब अब इंडिया की बैटिंग खत्म हुई, कितना टारगेट बना दिया, और जब उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया जो अगले टीम जो देख खेल रहे, चलिए चलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, देख रही थी, दिनों से मैच नहीं खेला है, मैं इतनी दूरी पर अपना खुश हो जाता हूँ, लेकिन जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं वो वहां पहुंच नहीं पाए, अब वो भारत की जीत पर क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं, आइए एक पैकेज देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है भारत की जीत के बाद। विश्व विजेता बनने के गुण चहुं ओर है, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है, और विदेशों में भी भारत की जीत सिर चढ़कर बोल रही है। टीम इंडिया की इस जीत ने दुश्मनों को भी मुरीद बना दिया, पाकिस्तान में भी भारतीय टीम की जय जयकार हो रही है, भारत को विश्व विजेता बनने पर बधाई दी जा रही है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने कोहली की तारीफ करते हुए भारत के विश्व विजेता बनने की हेडलाइन लगाई। अखबार ने लिखा कि कोहली के शानदार पारी से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जिताकर खिताब जीता। द डॉन ने रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ की और लिखा कि रोहित ने बुमराह को आखिरी ओवर के लिए बचाकर नहीं रखा, और बुमराह ने भी 18वें ओवर में भारत की जीत की नींव रख दी। वहीं पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि कोहली के 76 रन की बदौलत एक शानदार मुकाबले में अंतिम ओवर तक चले मैच को भारत ने अपने नाम किया। अखबार ने आगे लिखा कि दिल्ली में इंडिया गेट पर एकजुट होकर भारत के लोगों ने टीम के विश्व विजेता बनने का जश्न मनाया। द पाकिस्तान टुडे ने टाइटल दिया 17 साल बाद भारत दूसरी बार बना T20 वर्ल्ड चैंपियन। अखबार ने विराट कोहली की 76 रन की पारी के साथ ही भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना की। अखबार ने लिखा कि कोहली ने अपनी सबसे बेहतरीन पारी को सही समय के लिए बचाकर रखा था। वहीं पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने भारत की जीत के साथ ही विराट कोहली के T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर को भी प्रमुखता से जगह दी। अखबार ने टीम इंडिया के जबरदस्त प्रदर्शन की तारीफ करते हुए लिखा कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की वापसी कराई। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। शोएब अख्तर ने कहा कि हार्दिक पांड्या और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, ये निश्चित तौर पर गेंदबाजों का मैच था, लेकिन कोहली ने क्या शानदार पारी खेली, रोहित शर्मा ने ये दिखाया कि प्रेशर में कप्तानी कैसे करते हैं। वहीं आमिर सोहेल ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज कभी भी हारने वाली टीम की लगी ही नहीं। क्लासेन की बल्लेबाजी के समय भारतीय टीम थोड़ी मायूस हुई, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी ने टीम में नई जान फूंक दी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की तारीफ की। रमीज राजा ने कहा कि इस तरह का मैच बहुत समय बाद देखने को मिला, भारत ने एक असंभव जीत को हासिल किया, प्लेयर्स को बनाने में कोच राहुल द्रविड़ का भी अहम योगदान है, रोहित की कप्तानी की तारीफ करनी होगी जिसने बुमराह और अर्शदीप का सही इस्तेमाल किया। मैच में एक समय भारत हार की तरफ बढ़ता दिख रहा था, 5 ओवर में साउथ अफ्रीका को 30 रन की दरकार थी, लेकिन भारत की पेस बैटरी ने हार के जबड़े में हाथ डालकर जीत छीन ली और इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।
हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी इस प्रदर्शन को सराहने से पीछे नहीं हट पाए। हालांकि कोशिश तो उनकी मीन में एक निकालने की होती है, जो इंजमाम उल हक ने निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल इस जीत के बाद उनको भी कहना पड़ा चक दे इंडिया। और वाकई मनोज जी, इस तरह की जब जीत निकल कर सामने आती है, क्या लगता है ये आगे क्रिकेट के जो नए बच्चे हैं, जो क्रिकेट में या बच्चियां हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ आगे निकल रही हैं, प्रतिभा स्मृति मंधाना को कौन भूल सकता है, इतना बेहतरीन खेल दिखा रही हैं, क्या उनके लिए एक चैप्टर बनाया जाने चाहिए कि एक मैच को किस तरीके से, किन किन अहम मोड़ों पर, कैसे फैसलों ने जीत में बदला? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए बदलाव आता है अच्छे परफॉर्मेंस से। 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब भारत पे क्रिकेट एक मतलब उस तरह का पॉपुलर गेम नहीं था, ठीक है पॉपुलर था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। हमें ये भी पता है कि एक हड़ताल के कारण कपिल देव की वो नॉकआउट, वो परफॉर्मेंस किसी को पता ही नहीं है। 175 रन की जो पारी थी, नॉकआउट पारी थी, कहीं पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल वहां पर हड़ताल, बीबीसी की स्ट्राइक चल रही थी और उसमें कोई वो देख नहीं पाया। और तो और भारतीय टीम को देने के लिए, इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में लता मंगेशकर का के साथ जो है एक शो किया गया और पूरी टीम ने उनके साथ गाना गाया और उससे जो पैसा आया वो खिलाड़ियों को वितरित किया गया। लेकिन 83 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम की जो कामयाबी थी, उससे देश भर में एक जागृति आई। बच्चा बच्चा क्रिकेट की बॉल को पकड़ के चलने लगा। अगर आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। अगर आप देखेंगे तो पानीपत में एकेडमी खुल गई, जहां पर हर कोई वहां जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करता है। एक साथ 50 से 55 बच्चे रोज जेवलिन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्रांति आती है और वो तभी आती है जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। चलिए जैसा आप बता रहे थे, राणा बाबर हयात हमारे साथ, वरिष्ठ खेल पत्रकार, पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका राणा बाबर हयात, आपका हमारे इस खास शो में, और शहजाद अल्ताफ भी जुड़ गए हैं। पहले हयात साहब, मैं आपका रुख करूंगा, क्रिकेट की जबान में, क्रिकेट के अल्फाज में, कल का मैच आपको कुरेद गया, आपको एनर्जी से भर गया, या आपने उंगली नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया, किस तरीके से देखा आपने मैच? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के ऊपर दावत दी और इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, बीइंग अ क्रिकेट फैन तो मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो सकता था। दैट वाज रियली अ नेल बाइटर और एक क्रैकर ऑफ अ गेम था। मजा आया, लुत्फ आया। पाकिस्तान के सभी क्रिकेट फैंस ने ये मैच देखा होगा। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट जो फैन है उसने ये मैच ना देखा हो। सबने देखा, और खास तौर पे अगर किसी ने पूरा मैच नहीं देखा तो कम से कम आखिर के 5 ओवर तो हर पाकिस्तानी ने देखे होंगे। और वही सबसे मुश्किल वक्त था इस मैच में, और मैच ने जिस तरह से करवटें बदली हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के भी पसीने छूटे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत से ऐसे थे कि जो चाहते थे कि जनूबी अफ्रीका जीते, क्योंकि वो भी अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो मैच बहुत क्लास का हुआ जी, आउट क्लास मैच हुआ, और इंडिया ने बहुत तगड़ा मैच जीता है। ऐसा मैच जीता है कि जो इंडिया हारने जा रहा था तो मुखालिफ टीम के जबड़े से एक जीत को छीन लिया। बाबर हयात साहब, इससे पहले कि मेरे स्पोर्ट्स एडिटर आपका रुख करें, जो बच्चे हैं जो क्रिकेट को जीना शुरू कर रहे हैं, कल के मैच से उन्होंने क्या बहुत सारे सबक हासिल किए होंगे? वो सबक कौन कौन से हो सकते हैं? इस टेंस सिचुएशन में कैसे पलटी मारनी है, या कौन सी बॉलों को चूज करना है, किनको छोड़ना है, क्योंकि हालात तो ऐसे एक बार लगे जब वो छक्कों की, हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी हुई है वो ये कह रही थी, जब एक के बाद एक छक्के पड़े तो ऐसा लगा कि अब छोड़ो, बंद करके कहीं और जाओ। देखिए, बहुत मुश्किल हालात आए हैं टीम इंडिया के। आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी ऐसा देखने को मिल रहा था कि जैसे इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन वहां पर भी इंडिया ने बहुत कमाल का कमबैक किया था, और उस कमबैक में भी जो बड़ा किरदार अदा किया था वो मैं समझता हूं कि दुनिया के इस वक्त के सबसे बेहतरीन, अनपैरेलल्ड अगर मैं कहूं कि सबसे बेहतरीन सीम बॉलर, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने वहां पे एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया था। सेम वही रोल इस बार भी प्ले करते हुए वो नजर आए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सीखना है ना,
ये तो सर पाकिस्तान की हमारी टीम को भी सीखने की जरूरत है इससे, हमारे बाबर आजम को सीखने की जरूरत, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे बड़ों को सीखने की जरूरत है। जिस लेवल की कप्तानी रोहित शर्मा ने की है ना सर, हैट्स ऑफ टू हिम, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट जर्नलिस्ट अ क्रिकेट फैन, बेसिकली मैं क्रिकेट फैन हूं, क्रिकेट का दिलदादा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैंने इतनी जबरदस्त इतनी शानदार कप्तानी रीसेंट पास्ट में कभी नहीं देखी कि इतने प्रेशर के अंदर, इस मुश्किल हालत के अंदर कि जब आप एक रन बॉल पे पहुंच गए हैं, मुखालिफ टीम आपको मैच हराने की तरफ लेके जा रही है, आप एक मैच हार रहे हैं, वहां से इस टेम्परामेंट के साथ वापसी करना और अपने आप को अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना, कूल में रखना, और उसके बाद फिर अपने खिलाड़ियों का प्रॉपर इस्तेमाल करना, फील्ड को अकॉर्डिंगली सेट करना और राइट प्लेस पे राइट फील्डर को सेट करना, सर हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। यकीन करें मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैं अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान नहीं देख पाऊंगा। ये बहुत बड़ा झटका है मेरे लिए। सवाल करना चाह रहा हूं राणा बाबर जी, आप हमारे कई कार्यक्रमों में आप जुड़े रहते हैं, मेरा एक आपसे सवाल है कि BCCI आम तौर पर देखता है कि भारतीय खिलाड़ियों की जरूरतें क्या हैं, भारतीय खिलाड़ी क्या चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय करता है, लेकिन PCB जो है अक्सर अपनी बात थोपता है अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। हमने देखा पाकिस्तानी अवाम से भी मेरी बातचीत होती रहती है, आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि PCB को यह हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए? टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, यही टीम जो फाइनल में पहुंची थी जिम्बाब्वे से हारने के बाद, फाइनल में पहुंची पिछली बार, इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई, भारत के हाथों बिल्कुल हथियार ही डाल दिए उसने, तो ये जो हस्तक्षेप जो है, क्योंकि वहां सियासत बदलती है, हुकूमत बदल जाती है, पीसीबी का प्रावधान सारा बदल जाता है, तो ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान में चेंज नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से? बिल्कुल चेंज होना चाहिए जी, ये तो एक कहते हैं 360 डिग्री की शिफ्ट चाहिए हमें, अगर हम अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो हमें 360 डिग्री की शिफ्ट चाहिए, एंड वी विल हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। हमारे नेबर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को सियासत से पाक किया, जिस तरह से क्रिकेट को जो है वो नेपोटिज्म से पाक किया, सिफारशी पर्ची कल्चर से पाक किया, और जिस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट को नरिश किया, नरिश करके अपने टैलेंट को वो सामने लेकर के आए हैं, और खुलकर मौका मिलता है हर टैलेंटेड प्लेयर को अपना टैलेंट दिखाने में, इसमें अब IPL भी रोल प्ले कर रही है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वहां से टैलेंट को आगे लाया जा रहा है, वहां पर सियासी इंटरप्शन नहीं है। अब मुझे हिंदी उतनी नहीं आती, आपने इस ताकत नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं हमारी ऑडियंस बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है, इतनी तो माशाल्लाह उर्दू हमको भी आती है, लिखने में बिल्कुल उर्दू तो हम सबकी जुबान है, लेकिन हाँ नुक्ते गलत नहीं लगाते हैं, और वो अगर नुक्ते ही सही लगने लगे तो पाकिस्तान PCB भी अच्छे प्लेयर्स को लेने लगे। शहजाद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, शहजाद अल्ताफ, मैं आपसे पिछले कई दिनों से हमारी बातचीत हो रही है शहजाद भाई, हर मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं, कल रात का मैच ऐसा था, मैं आपको बता देता हूं कि 3 ओवर के लिए तो मैं छोड़ के बाहर चला गया कि मुझे नहीं देखना, इतनी बुरी पिटाई की उम्मीद की नहीं थी, लेकिन क्या आपको यकीन था बुमराह पर, क्या आपको उस कैच पर यकीन था तो शायद किताबों में जगह पाने लायक है सूर्य कुमार यादव का? नहीं बिल्कुल जी, जब आखिरी 4 ओवर थे और उनको 25 रन चाहिए थे इंडिया को मैच उसको साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, लेकिन जैसे उसने रोहित शर्मा ने, जैसे अभी बाबर साहब ने बोला कि उसकी जो कप्तान एज ए कैप्टन, आई थिंक जो उसने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर देखा जाए फर्स्ट मैच से लेकर आखिर तक जो उसने जो कैप्टनसी की है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम ने कि ऐसा कैप्टन है जिसने अपने बॉलर्स को अपने बैट्समैन को ऐसे यूटिलाइज किया जैसे रोहित शर्मा ने किया। आप सब बोल रहे थे भी जो विराट कोहली के बारे में कि भी लास्ट मैच स्कोर नहीं कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मैं हमेशा यही बोल रहा था कि यार ये आदमी एक दिन आपको ऐसा मैच खेलेगा। नहीं, आप मुझे भी कह सकते हैं, मैंने भी एक बार ऐसा ही कहा था। जी बिल्कुल, आप भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे बिल्कुल, इवन कभी मैं हमेशा यही बोलता था कि नहीं ये एक ऐसी जगह पे खेलेगा जहाँ कोई नहीं खेलेगा, ये खेलेगा, और उसने कल खेलकर आपको बताया कि वो किस किस्म का बैट्समैन है, और उसने जो 70 रन किए ना, पहले सब शुरू में बोल रहे थे यार ये बहुत स्लो खेल रहा है, इंडिया हार जाएगा इंडिया, लेकिन उसने लास्ट में 2-3 ओवर में अपने जो रन रेट था पूरा अपने उसने बराबर करके इंडिया को ऐसे स्कोर करके दे दिया कि इंडिया उसमें फाइट कर सकता था।
जीत तो नहीं सकता था, जैसे स्कोर था वो 200 था, लेकिन उसने क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये रन सेव किए और मैच जीत गए। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के पास जाने से पहले राणा बाबर है तो आपके पास, क्योंकि बाकी इमाम साहब भी हैं, फखर जमाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे मेरा सवाल ये समझ लेना चाहता हूँ, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली, ये चार नाम ऐसे हैं जिन्होंने कल इज्जत के साथ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिना ये सोचे कि हमें इस जगह पर चिपक के रहना है आगे आने वालों के लिए रास्ता खाली किया है और वो निकल गए हैं, अब आगे T20 में नहीं खेलेंगे। क्या आपको आगे इंडिया की टीम अब कमजोर लगती है इनके ना होने से, क्योंकि कहीं बहुत बहुत जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ की भी बनती है, आपका मेंटर कैसा है बहुत कुछ तय करता है। बाबर हयात साहब, देखिए ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मोमेंट है इन चारों लोगों के लिए और एक जिसको कहते हैं ना रिटायरमेंट की एक बारिश शुरू हो गई, वहां से चार लोग एकदम रिटायर्ड हो गए तो एक क्रिकेट फैन को एकदम झटका लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग अचानक टीम इंडिया को छोड़ के चले गए हैं तो इससे क्या टीम इंडिया को झटका लगने वाला है, उनका फ्यूचर किस तरह का होने जा रहा है। तो सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उस टीम इंडिया का फ्यूचर कैसे ब्राइट नहीं हो सकता कि जिसका रिंकू सिंह पीछे बैठा हुआ पूरा वर्ल्ड कप इंतजार करता रहा कि भाई मुझे टीम में 15 में डालो, एक भी मैच नहीं मिला। जिसका जायसवाल यकीन करें पाकिस्तान टीम में होता कभी उसको पाकिस्तान की टीम बेंच पे ना बिठाती और कभी विराट कोहली को इतना लंबा मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ बाबर आजम को बाहर निकालने की बातें शुरू हो जाती है कि बाबर को बाहर निकाल दो और ये दो मैचेस नहीं चला। हमारे अंदर बीइंग अ नेशन भी वो टेम्परामेंट अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो कि इंडियन टीम के अंदर मौजूद है और कप्तान के अंदर मौजूद है। और सर मैं जाते जाते, टाइम पता नहीं बहुत थोड़ा है हमारे पास, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। देखिए ये जो बड़े प्लेयर है ना, खासतौर पर विराट कोहली किंग है विदाउट एनी डाउट, और रोहित शर्मा, जडेजा, ये तीनों गए हैं और इनमें से दो तो वो लोग हैं जो अपने क्रिकेट के लेजेंड विदाउट एनी डाउट। सर जो मर्जी आ जाए दोबारा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे वो प्लेयर, आप जल्दी जाने वाले हैं, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, आपके यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी होती है, कायदे आजम ट्रॉफी में बड़े बड़े बैनर लगाए हुए लोग विराट कोहली के बैनर लगाते हैं जबकि ना उसका प्रसारण भारत में होता है, कोई टेलीकास्ट नहीं होता और विराट कोहली तक वो बात नहीं पहुंचती, उसके पीछे वजह क्या है, विराट कोहली इतने पॉपुलर क्यों है पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सिर्फ विराट कोहली पॉपुलर नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में आपको विराट के मिलियंस ऑफ फैंस मिलेंगे, आपको रोहित शर्मा के फैंस मिलेंगे, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, रीसेंट टाइम में पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन कहता है कि जसप्रीत बुमराह जैसा तेज बॉलर, गेम चेंजर, इस वक्त अनप्लेएबल बॉलर बना हुआ ना, उसको तो खेलना ही बहुत दिक्कत हो गया। जोशी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम कहते हैं यहाँ पे, इतनी हिंदी मुझे आ गई है, आपके माध्यम से मैं BCCI से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का ये हक है कि वो अपनी जिंदगी में कम अज कम एक बार क्रिकेट के ये जो लेजेंड्स हैं इनको अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखें। ये बीइंग अ क्रिकेट फैन मेरा, हम सब पाकिस्तानियों का हक है कि हम विराट कोहली को कजाफी स्टेडियम में अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के खिलाफ खेलता हुआ देखें, भले वो हमें शिकस्त दे दें लेकिन ये जिंदगी का ख्वाब ख्वाब ना रह जाए। रोहित शर्मा की कप्तानी करते हुए देखें, अगर उनको कप्तान बरकरार रखा जाता है, और गौतम गंभीर की टैक्टिकल मूव्स को देखें जो वो IPL में हमें दिखाते हैं, हम इन प्लेयर्स को और जसप्रीत बुमराह को हम कजाफी स्टेडियम लाहौर में बॉलिंग करते हुए देखें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जोशी जी मैं लाहौर में आपको वेलकम करने के लिए तैयार हूं, पूरी इंडियन टीम को हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि BCCI हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चलिए कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 35 किलोमीटर की है अटारी बॉर्डर से, वो ज्यादा दूरी नहीं है, मैं वहां तक जा चुका हूँ और दूसरी तरफ की बेंच भी देख चुका हूँ। आप सबको मेरी तरफ से वेलकम भी होगा और आपको लाहौर के स्पेशल जो है ना वो हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाएंगे और
खास खाने खिलाएंगे। आप आइए चांदनी चौक, हम आपको क्या खिलवाते हैं, 56 भोग आपके लिए रहेंगे, लेकिन ये सब बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना है। मनोज जी हमारे साथ, बाकी शहजाद भाई भी हैं, बाकी भी हैं, आप इनसे भी सवाल लें, फिर मैं ऑडियंस का रुख। फजल जी मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, आप जनसत्ता में आप रहे, अखबार में आपने रिपोर्टिंग की 1983 के वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि तब तो शायद आप नहीं थे, लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप आपने कवर किया और उसके अलावा तमाम जो क्रिकेट से जुड़ी हुई गतिविधियां थी, उस वक्त का माहौल और आज आप जनसत्ता में नहीं हैं और आज के माहौल में कितना फर्क महसूस करते हैं, तब कितना इन्वॉल्वमेंट होता था और आज कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो पहले भी था मनोज भाई, लेकिन आपने जो बात कही थी 1983 ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह से बदला और इसका क्रेडिट नो डाउट कपिल देव को जाएगा। उसके बाद भारतीय क्रिकेट का इन्वॉल्व, भारतीय क्रिकेट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बदला, लेकिन 2007 और 2024 के बीच सही में 17 साल का लगभग वक्फा है, 17 साल के लंबे फासले के बाद हमने चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो माहौल दूसरी तरह का है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में, हालांकि 1983 में हम लोग रात भर मैच, वो टीवी उस वक्त बहुत थोड़ी सी जगहों पर होता था, 1983 का विश्व कप हम लोगों ने कहीं कहीं जाके मैच देखा था और रात में देखा था, तो एक अलग तरह का माहौल उस वक्त भी था, ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, ये रंगीन दौर है, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने वो दौर देखा है। हाँ। और रात भर देखा और रात भर उस वक्त भी जश्न मनाया था। मुझे तो जश्न भी याद है, मैं भी बहुत छोटा था और वो ये नया कलर टीवी आया था 1982 में, मतलब ढूंढना पड़ता था कहीं कलर होगा, वो अंदाजा लगाते थे, हम लोग दूसरी जगह जाके देखा था। मुझे तो एक इन्वॉल्वमेंट फाइनल में पहुंचने का इन्वॉल्वमेंट और फिर फाइनल जीतने का जो एक उत्कर्ष होता है चरम पे पहुंचने का, वो अपने आप में आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। एक बात खाली मनोज भाई मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि चार लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता था। आप देखिए कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी ने ये तीसरा फाइनल खेला था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ वनडे फाइनल हम हार गए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनके हमने इस जोड़ी ने उस पूरे देश को एक जो तोहफा दिया और अपनी विदाई को यादगार बनाया है, शायद हम इसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। और सही कहा कि एक बहुत सही मौका है कि इन तीन खिलाड़ियों ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके आने वाली पीढ़ी को जगह दे दी, आने वाले खिलाड़ियों को। फजल भाई हमारे साथ हमारे दो साथी, हमारे साथ अहमदाबाद से जयेश सोनी जुड़ गए हैं और हमारे साथ महेंद्र माही नोएडा से भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। दो देखिए, महेंद्र माही भी दिख रहे हैं और जयेश सोनी भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इससे पहले एक सवाल अपने गेस्ट से भी ले लूं। मनोज जी बड़ी देर हो गई है गेस्ट से, आप उनके पास पीछे जरा सा माइक उनके पास भेजें, आपके पास माइक प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ, आप घर में आप लोग जब थे, मैच चल रहा था, क्या किसी ने आपको डिस्टर्ब किया? और डिस्टर्ब किया तो दिल्ली में कहते ना, चुपोए मैच देखने दे, क्या ऐसा किया आपने? नहीं, ऐसा जब हार रही थी इंडिया तो ये लग रहा था कि हारेगी, कान बंद कर लो, पता नहीं अच्छा नहीं लगता ना ये लगता, मैंने आंखें बंद की हुई थी, ये लगता है सुनाई नहीं दे कुछ ऐसा। अच्छा, जब जीत गई तो खुशी की बहुत कोई वो ही नहीं रहा, फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और आपको एक बार भी लगा था जब सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, एक सेकंड के लिए भी लगा कि ये कैच हुआ नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल से उतनी देर में कई लोगों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। बिल्कुल था, जय सूर्य ने जो अपना सूर्य कुमार ने जो कैच जब लिया अंदर डाल के बाहर गए और बाहर से जब अंदर आए तो कुछ लगा शायद एक पैर बाहर हो, टच कर गया, लेकिन हमें पूरा विश्वास था अपने सूर्य कुमार पर कि आज सूर्य कुमार उजाला करके रहेगा। और निश्चित रूप से जैसे मनोज जी ने कहा 1983 का वर्ल्ड कप हमें नहीं भूलना चाहिए कपिल देव जी के नेतृत्व में, और 2007 का जो पहला T20 युवराज जी के जो 6 छक्के 6 सिक्स जो लगातार थे भारत ने जो 2007 में जीते। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हमारे कप्तान रोहित शर्मा को सैल्यूट, जैसे उन्होंने कहा सैल्यूट होना चाहिए, सैल्यूट इंडिया। चलिए, ये सैल्यूट होना चाहिए। मैं जयेश और महेंद्र माई का रुख कर लेता हूं। पहले जयेश सोनी अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश भाई मजा मा? एकदम मजा मा। क्या हाल, वहां पर क्या चल रहा था? प्रधानमंत्री ने तो रात में ही बधाई देनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा जश्न गुजरात भर में मनाया गया।
क्योंकि ये एकदम महत्वपूर्ण मैच थी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लास्ट तीन ओवर जो कि जिन खिलाड़ियों ने जो बॉलरों ने बॉलिंग की है वो तीनों बॉलर जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, पांड्या हो, और उन्होंने ही ये पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो लाया था। और इसके लिए सारे गुजरातियों को गर्व है, पूरे इंडिया को गर्व है कि ये मैच जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घड़ी थी, जो समय था, उसके अंदर सब लोग पहले मान चुके थे 30 रन बाकी था, तीन ओवरों में 30 रन 30 बॉल में बाकी थे, और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया। मैं अभी अपने अपने साथी महेंद्र भाई का रुख कर लेता हूं जयेश भाई, लेकिन आपका रुख एक बार और करूंगा, तब मुझे बताइएगा, एक बहुत ज्यादा बातचीत अभी चल रही है, ये हार्दिक पांड्या ने अपनी दाढ़ी क्यों बना ली, क्या कोई टोटका था? आप सोच के रखिए जवाब, मैं आता हूं महेंद्र आपकी तरफ। महेंद्र, आपकी दाढ़ी अभी नहीं बनी है, लेकिन एंजॉय कितना किया आपने और नोएडा ने? बिल्कुल, देखिए कल का जो वर्ल्ड कप मैच था सच में काफी ऐतिहासिक मैच था। जिस तरीके से विराट कोहली की पारी या कहे सूर्य कुमार यादव का वो कैच, तमाम नोएडा की सड़कों पर जब ये मैच देख रहे थे, खासकर जब वो सूर्य कुमार यादव का जब मैच बॉलिंग कैच किया था, तब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी थी कि कहीं ना कहीं हमारी टीम अब जीतने के लक्ष्य पे है। और उसके बाद जैसे ही टीम इंडिया ने जीती, ऐसा लगा नोएडा की सड़कों पर हर कोई आतिशबाजी कर रहा है, कोई हूटिंग कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, लोग अपने दोस्तों को बधाई दे रहे हैं। वो जीत केवल टीम इंडिया की नहीं, वो जीत पूरे देशवासियों की जीत की दिस। और ऊपर से जब मैं नोएडा सुबह सुबह स्टेडियम में गया और तमाम कोचों से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखिए हमें इस जीत से सबक ये लेना चाहिए कि हार्दिक पांड्या की लाइफ में जितना चाहे पर्सनल इश्यू हुआ, मगर उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको हावी नहीं होने दिया, अपने मैच पे बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, क्योंकि सबको पता है कि हार्दिक पांडे इस टाइम किस दौर से गुजर रहे हैं। वैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो परफॉर्मेंस दी, वो हमने पटाखे छोड़ते देखे, वो हमने आतिशबाजी देखी है, और वो आतिशबाजी के बाद का जोश पूरे देश में अब भी देखा है। महेंद्र आप लोग बने रहिएगा, जयेश आप भी बने रहिएगा।